नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने अपनी मार्गदर्शक और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण को कराड में उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान शरद पवार ने कराड में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। यहाँ शरद पवार के साथ समर्थकों का हुजूम भी नजर आ रहा है। शरद पवार के साथ पृथ्वीराज चव्हाण भी मौजूद रहे। यहाँ शरद पवार ने कहा कि हमारे कुछ लोग दूसरे दलों को तोड़ने की भाजपा की रणनीति का शिकार हो गए हैं। यहाँ भतीजे के विद्रोह के बाद शरद पवार ने कहा कि आज समाज में खाई पैदा की जा रही है। जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। मेरी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, मैं लड़ता रहूंगा। जातिवाद राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हम उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार को गिरा दिया। कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हमें मिलकर शुरुआत करनी होगी। सोमवार को सुबह पुणे से कराड के लिए रवाना हुए और रास्ते में कई समर्थकों से मिलने के लिए रुके, जो सड़क के किनारे उनका स्वागत करने और समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए थे। कराड में शरद पवार को हजारों समर्थकों और स्थानीय विधायक बालासाहेब पाटिल ने स्वागत किया। कराड से नाता रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार में रविवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं पार्टी के 8 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसे राकांपा के संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। शरद पवार ने 24 वर्ष पहले राकांपा की स्थापना की थी। संगमनेर असो, अकोला असो, अशी काही नाव घेता यायची, त्या ठिकाणी फिर्या एकत्र राहणाऱ्या समाजामध्ये एक प्रकारची वैर भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीय दंगे झाली। हे महाराष्ट्राला सोडणार नाहीये, पण नुसतं सोडणार नाही